हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी के डेप्रिसिएशन चैप्टर से आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर जिसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड किस में किस तरीके से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे, तो यही हमें समझना है इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को देखिएगा बड़े कैरफुली ध्यान से लास्ट तक। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, जो भी मशीन कोई भी एसेट्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पर लगता है, फिक्स एसेट्स पर लगता है। तो एसेट्स की जो भी वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन कर जाता है। यानी कि यहाँ पर पता होना चाहिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, या फिर जो भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है, एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन की जो एनुअल वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मशीन है 2 लाख रुपीज़ का, और उसमें पर ईयर 10% पर एनम का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, तो 2 लाख का 10% यानी कितना हो गया 20,000। तो हर साल एवरी ईयर जो है डेप्रिसिएशन का चार्ज 20,000 ही होना है। यानी कि हर साल मशीन की वैल्यू से 20,000 रुपीज़ जो है लेस करते हुए चलना है। अतः इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहना है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक जैसा एकदम सीध में लगातार उसकी वैल्यू जो है कम होते जाना है। तो 20,000 जो भी डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू में टोटल हर साल जो है हम माइनस करते हुए चलेंगे, यही आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। अब कहीं कहीं जो है एनुअल वैल्यू या फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता है, तो वहाँ पर दिया होता है स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ता है, स्क्रैप वैल्यू से हमें निकालना पड़ता है जितना भी एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो स्क्रैप वैल्यू से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है जो भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन या एसेट्स, माइनस उसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द, कि हम ये मानते हैं कि उस एसेट्स की वैल्यू जो है ये कितने ईयर तक की है, एस्टिमेटेड लाइफ जितने साल तक उसको चलाना है उतने से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेट होके आएगा उसे ही एनुअल डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी क्वेश्चन को एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल देखिए, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल बुक का। ऑन 1 अप्रैल 2007 आर लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 1,90,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 1 अप्रैल 2016 को एक लिमिटेड कंपनी ने 1,90,000 का मशीन खरीदा, उसके इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपीज़ खर्च कर दिया। तो इंस्टॉलेशन में खर्च करना वो मशीन की लागत में आता है, यानी कि मशीन की टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2 लाख। एट द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो डेट जिस दिन मशीन खरीदा गया उस दिन ये एस्टिमेट किया गया कि 6 लाख जो मशीन को जो 6 साल के लास्ट में मशीन की स्क्रैप वैल्यू 50,000 रह जानी है। कि मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन, आपको मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाई फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मैथड के द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 ईयर्स के लिए। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरीवेयर, हर साल 31st मार्च को बुक क्लोज होता है। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, क्वेश्चन आपने ध्यान से दिया। सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 1,90,000 मुझसे मशीन खरीदा, उसमें 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिया, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया 2,000, क्योंकि कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अब स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 6 ईयर
6 साल के बाद जो स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाना है 50,000, दैट इज एनुअल चार्ज कितना हो जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें से इसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे 50,000 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड जो टाइम मैन की 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 25,000 रुपीज़। ये एनुअल, इसी को अगर हमें परसेंटेज में लिखना है, निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे उसके ओरिजिनल कॉस्ट से, यानी कि 2 लाख से, तो ये आ गया 12.5%, यानी कि टोटल कॉस्ट का 12.5% एनुअल डेप्रिसिएशन लगाना है। अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि डेप्रिसिएशन हमें पता है कि हर साल जो है कितना चार्ज होना है, 25,000 चार्ज होना है, तो ये हो गया मशीन अकाउंट, जिसमें आ जाएगा सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। 4 साल के लिए वो ये अकाउंट बनाना होता है, जो भी मशीन की वैल्यू दिया हुआ है और जो खरीदा गया खरीदने वाले डेट को यहाँ पर डेबिट साइड में एंटर कर देंगे। मशीन खरीदा गया कब, 1 अप्रैल 2007 को, तो एंटर कर देंगे 2, बैंक अकाउंट टोटल मशीन है 2 लाख रुपीज़ का, 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, मशीन 2 लाख का आ गया। और पूरे साल में इसको मशीन किया, मशीन को यूज़ किया और साल के लास्ट मैंने की 31 अगस्त 2008 को हम डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे, तो भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 जो हमने कैलकुलेट किया था ये चार्ज करना है, तो इसी दिन को जो बैलेंस बचेगा मशीन का, तो भाई इसको करेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, 20,000 का 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो मशीन बचा 1,75,000, अकाउंट इस साल का क्लोज कर देंगे 2 लाख से, अकाउंट इज क्लोज्ड। ये जो बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2008 को टू बैलेंस कैरी डाउन 1,75,000 का मशीन बचा। इस साल दोबारा फिर से इस साल के लास्ट में यानी 31 मार्च 2009 हम डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा 2 लाख का 25,000 जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, तो हर साल 25,000 जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, दैट इज बैलेंस कितना रह जाएगा, बैलेंस इज 1,50,000, टोटल हो गया 1,75,000, 2 साल का बन गया। इसी तरह हमें 4 साल का बनाते चलना है, ट्रांसफर कर दिया टू बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000, इसी तरह इसी साल के लास्ट में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज सेम होगा 25,000, तो लास्ट में बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस सीधी बचेगा 1,25,000, अमाउंट हो गया 1,50,000, अकाउंट इस साल का भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब लास्ट 4th ईयर का बनाना है, सेम भाई 1,4,10 एक टू बैलेंस कैरी डाउन 1,25,000, इसी साल जो है हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, सेम वही डेप्रिसिएशन चार्ज है, यही स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इजी है, हर साल सेम अमाउंट जो है चार्ज करना है, और बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 1 लाख। तो इस तरह 4 साल के लास्ट में हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया, बुक में 4 ईयर का बनाने के लिए कहा गया है, अकाउंट इज क्लोज मशीन का। अब मशीन अकाउंट 4 साल का क्लोज हो गया, इसके साथ हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बिल्कुल ईजी है, ये हो गया डेट, इसका फॉर्मेट पार्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। करना क्या है, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है यहाँ पर 25,000, उस डेप्रिसिएशन जो भी हर साल चार्ज हुआ है उसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री करेंगे 31 मार्च 2008 को टू मशीन अकाउंट से कितना चार्ज हुआ 25,000। अब ये ध्यान रखना है जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको उसी डेट को जो है उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में इसको क्रिएट कर दिया जाता है, यानी कि बाय एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। इस तरह पहले साल का अकाउंट क्लोज हो गया ये इक्वल पे। अब हर साल सेम अकाउंट बनाते चलेंगे, कल डेट बदल जाएगा 31 मार्च 2009 टू मशीन अकाउंट 25,000, उसी डेट को ट्रांसफर करेंगे बाय स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। हर साल सेम अमाउंट नेक्स्ट 31 मार्च 2010 यहाँ पर भी सेम अमाउंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलता नहीं है, सेम वही रहता है स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। थ्री ईयर का बन के कम्प्लीट हो गया, चार साल का बनाने के लिए क्या है हम लास्ट ईयर का बनाएंगे 31 मार्च 2011 टू मशीन अकाउंट 25,000, उसी को ट्रांसफर करेंगे लास्ट डेट को बाय स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट इज 25,000। अकाउंट हमारा फोर्थ ईयर के लास्ट में क्लोज हो गया, क्योंकि चार साल का ही बनाने के लिए कहा गया। बिल्कुल सिंपल वे है, सिंपल तरीका है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जो भी डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज होता है वो यहाँ इस तरह उसके अकाउंट में डाल देते हैं। थैंक यू।